देखिए, मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। देखिए, जो हमारे देश की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको दूर से ही फिर सलाम है। कश्मीर में जब ट्राइबल इन्वेजन हुई थी, इसके दादा ने वहां पे लूटमार मचाई थी। और आज मोदी साहब को गाली देकर उनको लग रहा है कि वो इस प्रोपेगेंडा कि शायद आफरीदी वो कुत्ता है जो जंजीर से बंधा हुआ है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कि इससे बड़ी बीमारी जो है वो मोदी के दिल और दिमाग में है। वो बीमारी, और वो बीमारी मजहब की बीमारी है। अल्हम्दुलिल्लाह, मजहब को लेके वो सियासत कर रहे हैं। इंशाल्लाह, और हमारे ये 2 किलोमीटर पे जहाँ हमारे कश्मीरी भाई, कश्मीरी बहने, बुजुर्ग हमारे, उनके साथ जो इतने अरसे से जुल्म कर रहा है वो आदमी, उसको इस दुनिया में भी जवाब देना होगा और आखिरत में भी जवाब देगा वो। मोदी को एक बात का पता होना चाहिए, है तो बड़ा दलेर बनने की कोशिश करता है लेकिन है डरपोक आदमी। इतने छोटे से कश्मीर के लिए 7 लाख की फौज जमा कर दी है उसने, जबकि हमारे पूरे पाकिस्तान की फौज 7 लाख की है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि हमारी 7 लाख फौज के पीछे 22-23 करोड़ की फौज खड़ी हुई है पीछे। हमने तो उनके चूजों को हवा में मार के चाय पिला के वापस भिजवाया इज्जत के साथ। तो अफरीदी बुरी तरह प्रोपेगेंडा के रिक्वायरमेंट हो गई है उनको, और उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उन्होंने मंदिर का सहारा लिया 2-4 पहले, और आज मोदी साहब को गाली देकर उनको लग रहा है कि वो इस प्रोपेगेंडा के जरिए और पब्लिसिटी की जो पायदान पे वो काफी ऊपर चढ़ जाएंगे। शायद बहरहाल पाकिस्तान में ऐसा हो पाए, लेकिन उसका फायदा हिंदुस्तान में ये होता है कि हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की असलियत का पता लग जाता है। ये वही अफरीदी है जो कि एक अफरीदी फंड इन्होंने खड़ा किया था, और हमारे हरभजन और युवराज जो थे उन्होंने उनकी पैरवी करी थी। हमारे देश में नाक जोक करने की क्या जरूरत है? तुम्हें क्या लेना देना है? तुम वहां पे गए हो, अगर मदद करने गए हो अपने लोगों की, उनको खाना खिलाने गए हो, या किसी को भी मिलने वहां गए हो, फौजियों को, जवानों को, आप उनके बीच में रह के उनको, उनसे बात करो ना। आप हमारे देश को बीच में क्यों ला रहे हो? हमारे नागरिकों को बीच में क्यों ला रहे हो? और हमारे प्रधानमंत्री साहब को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? और देखिए, जो हमारे देश की डिसरिस्पेक्ट करेगा उसको दूर से ही फिर सलाम है, टाटा है, बाय बाय। हमारा कोई लेना देना नहीं है शाहिद अफरीदी से, और ना ही उनकी फाउंडेशन से, ना ही उनके जो वो काम कर रहे हैं उनसे। हाँ, शाहिद आफरीदी और पाकिस्तान का रिश्ता क्या क्या कहलाता है? देखिए, शाहिद आफरीदी इंतहाई घटिया किस्म का एक इंसान है, जिसको आज से नहीं, शुरू से ही मैं नापसंद करता रहा हूं। एक पागल किस्म का खपती आदमी है जो एक हादसाती तौर पे सेलिब्रिटी बन गया, और ये इसको पाक फौज यूज कर रही है। पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी को पाक फौज यूज करती है। तो शाहिद आफरीदी के केस में जब युवराज और हरभजन ने उसकी सपोर्ट की थी तो मुझे बहुत हैरत हुई थी, क्योंकि खास तौर पे हरभजन को मैं जानता हूँ, ही इज अ वेरी नाइस गाय, ट्रू इंडियन, और मेरी उनके साथ पर्सनल भी इंटरेक्शन हुई है, ही इज अ लविंग गाय। मसला ये सिखों का कि वो सेवा और प्यार में इतने डूब जाते हैं कि ये अक्सर भूल जाते हैं कि सामने दुश्मन खड़ा है। शाहिद आफरीदी का आज का मसला ये, खुद कहता है मेरा दादा वहां पे वो था कश्मीर में जब ट्राइबल इन्वेजन हुई थी, इसके दादा ने वहां पे लूटमार मचाई थी, उसके अवार्ड मिले थे इसको इसके लूटमार के लिए, वो दैट वाज अ प्योर इन्वेजन ऑन इंडियन टेरिटरी। फिर इसका कजन मारा गया टेररिज्म करते हुए इंडिया में, वो कर देंगे ये सब बोल के ये हवाई जहाज में बैठ के आर्मी के कराची आया, कराची आके अपनी बीवी के साथ बेडरूम में बंद हो गया कि अभी तक बेटा नहीं हुआ ना बेचारे के, तो फिर उस कोशिश में लग गया, कश्मीर तो बाद में आजाद हो जाएगा। प्रॉब्लम यह है कि जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गया है पाकिस्तान का, वहां बड़ी महत्वाकांक्षा जाग गई है क्रिकेटरों में, वो अपने आप को अगले प्राइम मिनिस्टर के रूप में देख रहे हैं। सिर्फ आपको करना क्या है? आपको सिर्फ भारतवर्ष को गाली देनी है, फौज की चमचागिरी करनी है, और आप अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मैं दोस्तों, कि शाहिद आफरीदी
वो कुत्ता है जो जंजीर से बंधा हुआ है। पश्तूनों के इलाके हैं, खास तौर पे ये नस्ली कुत्ता जहां से रहने के, जहां से इसका ताल्लुक है, इसकी शहर की 40,000 औरतें जो बिकारिस्तान के सेना थी उन लोगों ने उठा के पता नहीं कहां बेच दी, गायब कर दी। ये बात दोस्तों झूठ नहीं है, आप उनको सर्च कर सकते हैं। लेकिन इस कुत्ते ने उसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई और न कभी इसने कश्मीरियों को कोई हॉस्पिटल बना के दिया, न कश्मीरियों के लिए एक अच्छा सा पार्क बना के दिया, न कभी इसने ये बात की कश्मीरियों के लिए कि यार मैं तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूं पाकिस्तान के अंदर, आइए मैं कुछ हेल्प कर लेता हूं आप लोग। ये जब से इसने क्रिकेट छोड़ा है दोस्तों, मैंने आप लोगों को आज से 6 महीने पहले बताया था, क्योंकि ये वो सुअर के पिल्ले हैं। जिस दिन से ये क्रिकेट से गायब हुआ, क्रिकेट से इसकी में डंडा दिया गया क्रिकेट से, और आहिस्ता आहिस्ता ये बिकारिस्तान के पॉलिटिक्स में भी पांव रखने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। तो आज इसने जो टट्टी काई है। देखिए मैं बहुत समय से कह रहा हूँ कि कई लोग सिर्फ उम्र में बढ़ते हैं, दिमाग में नहीं। और अगेन एक और एग्जांपल यही है कि 16 साल के आदमी बन चुके हैं, वो बच्चे तो रहे नहीं क्योंकि पेपर में तो 40 साल के। लेकिन इस समय में भी जब पूरी दुनिया एक ऐसी महामारी से लड़ रही है कोरोना वायरस से, उसके बावजूद अगर आप राजनीति करते हैं, कश्मीर का इशू उठाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, तो इसे पता चलता है कि आपकी क्या सोच है और आप ही की नहीं आपके देश की क्या सोच है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, आई होप कि अगर इसे सीख जाएं, क्योंकि हम सीखने की कोई उम्र नहीं है, अगर अभी भी सीख जाएं तो शायद कुछ उनका भला हो सकता है। नहीं तो अगर आप ऐसे बयानबाजी करते रहेंगे तो लोग आपको वैसे ही सीरियसली, क्रिकेट में भी नहीं लेते थे, अब तो वैसे भी नहीं लेंगे।